जी मेरी पत्नी है जो दिमाग से मतलब ऐसे पागल है, पागल टाइप लगती है, अजीब हरकतें करने लग जाती है। सबसे ज्यादा ये बोलती कि मेरी, जैसे हम कमरे में सोते हैं तो बोलती खिड़की खोल दो। राजस्थान की बेटी मर्यादा रखती है, इसको आप पागल कहां समझते हैं? तो इसको कुछ याद ही नहीं रहता ना। अपने बच्चों के नाम पूछ लो, अभी तीन बच्चे हो, इसके नाम बताओ। बच्चों का नाम वर्षा, योगिता और मुन्ना। जो मेरा लड़का ये मुन्ना बता रही, उसका नाम मुन्ना नहीं, योग ऐसा। कहां से आए? पास में जोधपुर, राजस्थान। आपको यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा? मेरा एक दोस्त है, वो YouTube में आपको देखता था तो उसने बताया। आपको यहाँ आने का कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा जी। मिलकर कैसा लगा? मिलकर बहुत अच्छी खुशी मिली। अच्छा लग रहा? हाँ जी, हाँ जी। क्या पूछना चाहते बोलिए। सब लोग सुन रहे हैं जी। मेरी पत्नी है जो दिमाग से मतलब ऐसे पागल है, पागल टाइप लगती है। हाँ, मतलब कोई भी बात समझाओ तो उसको समझ नहीं आती, जिद करती है। और मेरे घर में नहीं हो, मेरे घर में नहीं रहती वो, वहाँ रहती है। अच्छा, मायके में रहती है? मायके में तो वहाँ सही से रहती है, वहाँ रह जाती है। और यहाँ तो आप चले जाओ, उसके साथ वहीं रहो ना। तो मैं मायके में, मेरा घर बार यहाँ है तो मैं मायके में क्या करूंगा, घर जो वहीं थोड़ी बनूंगा। अपना घर भी तो देखना है, मेरे बच्चे भी देखना है। अच्छा, और मेरे मम्मी पापा बूढ़ा, उनकी सेवा कौन करेगा, वो भी देखना है। पत्नी को तो रखना है ना, पत्नी को तो रखना है। पर ऐसा क्या हो रहा है उसके दिमाग में, 10 साल हो गए वो यहाँ नहीं रहती मेरे घर में, और अपने घर में पागल हो जाती है। हाँ, मतलब अजीब हरकतें करने लग जाती है। सबसे ज्यादा ये बोलती कि मेरी, जैसे हम कमरे में सोते हैं तो बोलती खिड़की खोल दो, और कुछ ना कुछ बोलती रहती है। खिड़की खोल दो? हाँ, कल हम यहाँ पे कमरा लेके सो रहे थे। हाँ। तो उसमें कूलर लगा हुआ था, दरवाजा था, खिड़की नहीं थी। हाँ। तो उसने बोला मैं बाहर सोऊंगी, कूलर की आवाज़ नहीं। हाँ, बोले भैया इनकी पत्नी कौन है? आप हैं? आगे वाली, आगे वाली की दुपट्टा संभाल रही है। दुपट्टा संभाल रही, वो मेरी सिस्टर है। अच्छा, सिस्टर। ये मेरी पत्नी। वो लाल वाली कौन है? वो मेरी सिस्टर है। अच्छा, 10 साल से गुरुजी मैं परेशान हूँ, और इसको कुछ भी बोला तो मैं तो देख रहा हूँ। हाँ, देखो बेचारी पागल तो नहीं है, पागल होती तो घूंघट नहीं डालती। राजस्थान की बेटी घूंघट डालती है, राजस्थान की बेटी मर्यादा रखती है, तो इसको आप पागल कहाँ समझ सकते हैं? तो इसको कुछ याद ही नहीं रहता ना। अपने बच्चों के नाम पूछ लो, अभी तीन बच्चे हो, इसके नाम बताओ। पूछो बच्चों का नाम वर्षा, योगिता और मुन्ना। जो मेरा लड़का ये मुन्ना बता रही, उसका नाम मुन्ना नहीं, योगेश है। और ये गलत बता रही, पूछ लो आप किसी से भी, पूछ सकते हो। योगेश नाम नहीं है उसका? उसका नाम योगेश है, बाबी के छोरा का नाम योगेश। अब उसके, देखो इसके बाबी के छोरा का नाम इसको याद है, और अपने बेटे का नाम याद नहीं है। हालांकि दोनों का नाम योगेश है, और ये कहती है मुन्ना मन से ही। मतलब इसके दिमाग में कुछ अलग लगता है। बाहर से तो मुन्ना लिया, कोई मुन्ना दूसरा हो। और गुरु जी, आपने जो एक बात बोली थी ना, वो सच है, मैंने पता कर लिया। क्या? कि जैसे इसने एक बार मरने की हरकत करी थी, वो बात सच निकली। आपने दिन में पूछा क्या है, हमसे मिलने आए तो इनका चेहरा लगा थोड़ा परीक्षा, इनके दिमाग में ऐसा लगा कि ये परीक्षा लेने के मूड में आए। तो मैंने इनसे कहा कि तुम्हारी पत्नी मरने का प्लान कर चुकी है, पता लगाओ, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। सही बात है, सही है ना? सही बात है। पर उसकी वजह क्या थी ये समझ नहीं, मैं खुद डिप्रेशन में चला गया, ऐसा क्या हो गया? क्या लिखा है? आप पहले मिल चुके हैं, आपकी पत्नी ने मरने का प्रयास किया, पितर देवता नाराज है। अब आइए आगे की तरफ। फर्स्ट पर्ची पे बेबी उर्फ नाम सरिता देवी को भूत बाधा का नाटक है, तंत्र नहीं है, तंत्र बना हुआ नाटक है। ये बहुत बड़ी शक्ति है, ये बिगर शक्ति, बिगर मालिश के, बिगर पूजन के नहीं जाती है। गुरु जी, इसका पता ही नहीं लगता, मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। एकदम ही मतलब ऐसा हो जाता है कि बंदा सोचने में हैरान हो जाता है। मैं तो खुद हैरान हो जाता हूँ, 10 साल से इसको संभाल रहा हूँ अपनी इज्जत के लिए। बंदा होना, पति होते तो सही होता है। पति हूँ, बंदा तो पति। बंदा कैसे हो गए? बंदा मतलब मैं थोड़ा पंजाब में रहता तो उधर की भाषा आ गई, और कुछ नहीं। तो हमने इसमें यही लिखा है कि तुम्हारी पत्नी कोई भूत बाधा नहीं है, और जो बोल रही है ना, मुझे तो भूत लगती है। जान मेल के तुम्हें चढ़ाने के लिए पानी से पप्पा बोलती है, पानी से पप्पा। अब इसका हल क्या होगा? मैं तो खुद परेशान हूँ। हल समाधान है प्यार। प्यार तो इसे बहुत करता हूँ, इसको ही पता है। अच्छा। ऐसे तीन बच्चे कैसे हो गए? बिना प्यार के थोड़ी हो जाते, और हुए भी साल डेढ़ साल बाद। ज्यादा गैप भी नहीं था। बहन नाटक मत करें, ठीक है? आप अच्छे से रहो, प्यार से रहो, आप पे कोई भूत बाधा नहीं है। और हमने लिखा भी है तंत्र यानी नाटक, यानी कि बना हुआ नाटक, स्वयं का नाटक, यानी कोई बाहरी नाटक नहीं, और अपना नाटक, जिससे उसके मतलब नहीं है। इनको क्या है, अपनी मम्मी पापा परिवार अच्छा लगता है, गांव सूट करता है, वहां के लोगों में जिनका मजाक चलता है, वो मजाक की लड़की है ये। आप जानते हो कितना मजाक करती है? मजाक तो नहीं करती, जो इसका माँ बोलती ना, जैसे बच्चे को टॉफी देके बच्चा खुश कैसे होता है, वो वाला काम है इसका। क्या लिखा? माँ की भक्तन है। हाँ, माँ की भक्तन, बहुत बड़ी भक्तन है। इतना तो हनुमान जी राम जी के नहीं, इतनी बड़ी भक्तन है ये। अच्छा, सच्चाई बता रहा हूँ। उसकी माँ ने बोल दिया ना 10 दिन रहना और आ जाना, तो समझ लो मेरे को उस दिन 10वें दिन बोल देगी भाई अभी पहुंचा, चाहे रात हो चाहे दिन हो। और ऐसे तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो सोच भी नहीं सकता।
अब ऐसे जिंदगी कैसे कटेगी? मेरे बच्चे भी तो, मैं खुद किडनी का पेशेंट हूँ, ये भी मैंने पर्ची में लिखा होगा, आपने देख लिया होगा। आप अपनी पर्ची लिख के लाए हो? दिखाओ पर्ची का। अरे वाह, ये पर्ची मैंने क्या देखा, जब आपने मुझे नहीं दी तो पढ़ूंगा कैसे? आप तो अंतर्यामी हैं, आपको पता ही लगता है। तो पर्ची में तो चार नंबर लिखे थे, पांचवें नंबर पे लिखा किडनी खराब है, खिड़की खोल के सोती है, ठीक है, किडनी का। सातवें नंबर पे लिखा है किडनी खराब है, देखो स्टैंडला है, तो किडनी में स्टैंड डलता है, हार्ट में डलता है? नहीं, किडनी में डलता है, रीनल आर्टरी ब्लॉक है, उसमें दो डला है। उल्टा है, ठीक है, हम जानते नहीं है ना। नहीं, आप क्यों नहीं, आप तो सब कुछ। हमने भी लिखा है, थोड़ा थोड़ा लिखा ही लिखा है, दिख रहा है किडनी खराब है? तो लाइन वाले देख पा रहे होंगे, शेष पर्चा यहां है स्क्रीन पे, सभी काम पूरे होंगे, पंडो का दाम पांच वर्ष करें। ये हमारा है, जितना लिख सकता उतना लिखा है, सिर्फ डाटा समाप्त हुआ, और द्वारा पूछना तो द्वारा पूछ लीजिएगा, लेकिन पत्नी पे कोई भूत नहीं है। हाँ। इसे प्यार की आवश्यकता है, प्यार से इसको मालिश कीजिए, सम्मान कीजिए, आरती कीजिए, संघ घड़ियाल बजाइए। चलिए, इतने सालों से प्यार ही कर रहा हूँ गुरुजी, उसका कोई हल नकली है? नकली नहीं, असली कर रहा हूँ। तो फिर संघ चले जाओ। संघ कहाँ ले जाओ, तो कुछ समझती भी नहीं है। जाओगे अब इसको पूछो कौन से शहर में आया, मुझे बता दो, पूछो। पता पंडू खड़ा पल्लू डाले डेढ़ हाथ का, बेटा कहाँ पे आए अपन बताओ, अपन इस समय कहाँ बैठे हैं बोलो बोलो, कहाँ बैठे हो? ये चीज है। अच्छा, सच बता रहा हूँ मैं गुरुजी, हकीकत में बहुत परेशान हूँ। मैं कौन बताइए गुरुजी, ये कौन सी जगह है, क्यों व्यक्ति करा रहे हो? पांडुकर सरकार, पांडु सरकार। हाँ तो बराई, इसको राइट हम कर देंगे, इसको राइट कर दो गुरुजी, ये कोई भूतवादन नहीं है। तो इसको आप कोई भूतवादन नहीं है, इसको आपने माइंड, इसको कोई माइंड चला नहीं रही है, ये सब नाटक करती है, समझने के बाद गुरु जी आप एक बार स्क्रीन पे ये बोल दे, इसकी मम्मी से इसका पीछा छुड़ा दो, तो मैं बोल पाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा सच में, इसे बोल दो छुड़ा दूं। हाँ, सबसे बड़ी बात, आप ही रही, अपना आप हो जाएगी, सही बात, मायके जाएगी, जाओगी वो के यहां जाएंगे, तो बताओ पापा के पास, भैया के पास, भैया भाभी के साथ है, बाकी सब पता है इसको, उसके अपने घर का सब पता है, मेरे घर का किसी को नहीं पता, इसको पूछो मेरे पूरे परिवार का नाम नहीं बता पाएगी, और इतने साल से मैं इसको साथ में रख रहा हूँ, तो बताओ मेरी हालत क्या होगी, और कमा के भी लाता हूँ, इसको खिला पिला भी रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ करवा रहा हूँ, इसको कुछ अक्ल ही नहीं है। अब इसको ये भी नहीं पता इसके पति को क्या हो रहा है और क्या स्टोरी है, इसको अभी तक पता नहीं है, इसको बता दो शादी कब हुई हमारी, ये भी नहीं पता इसको, सच्चाई बता रहा हूँ। आपने पागल करके दिमाग उसको कुंज कर दिया, क्या करूँ, क्या कुछ तो समझे, वो सब जानती है, सब जानती गुरु जी, किसी पढ़ लिखे बेटा नौवीं पढ़ी हो बेटा, इसको पढ़ना, माइक दीजिए, श्री पंडू खारा सरकार धाम, आओ आगे और क्या लिखा है, पंची तीर्थ स्थल स्थल, राइट। अब मेरी बात समझो, आप क्या है, जब आदमी पागल होता तो पहले अक्षर भूलता, समझ गए ना, हम एक बड़े डॉक्टर हैं, आप समझ जाइए, जब वो चा जानती है, पा जानती है, मात्रा जानती है, प्राची ना जानती है, तो ये भूल जाएगी कि मेरे पति का नाम क्या है। आप घर आनंद करो, मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये सेल्फ माइंड क्विंज अपनी इच्छा से जो बोलना बोलेंगे, नहीं बोलना नहीं बोलेंगे, तो आप समझेंगे पागल है, इसको माइके जाने दो, ये समझ रहे, हाँ माइक भी चल दो, आप मत जाने दो। अच्छा हाँ, जवाब लठ मत देना, बता देंगे। अच्छा क्या समझे, माइक माइक बोले, अमावस्या के दिन ही आना क्या यहाँ पे, ऐसे में ये सोच रहा, जैसे दोबारा आप बोल रहे ना कि पांच अमावस्या करनी, तो अमावस्या के दिन ही आना है वापस यहाँ पे पंडो का, आप समझे नहीं, जब आप नहीं समझे तो वो कहाँ समझेगी। नहीं, आपने बोला ना अमावस्या का, तो फिर अमावस्या के दिन ही आना, मैं ये सोच रहा था इसलिए मैंने पूछ लिया, तो आप इसलिए समझा रहे थे कि उसको बताओ कि हम पति हैं। हाँ जब पांच अमावस्या करने